जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो Xiaomi 13 Ultra लॉन्च हो चुका है। देखो यार, मैं जानता हूँ कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखे जो कह रहे थे कि अरुण सर कहे हैं कि Xiaomi 13 Ultra इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। देखो यार, मैं जानता हूँ वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। देखो यारो, वो अगर बोल दिए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लॉन्च हो जाएगा, हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गया हो। अब देखो यार, जो मेरा सोर्स है कैस्पर भाई, वो तो यही बोले कि भाई वो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। Xiaomi 13 Ultra इंडिया, इंडोनेशिया, जापान और कुछ कंट्रीज है वहां पर Xiaomi लॉन्च नहीं करेगा, ठीक है। अब जब तक वो अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करते तब तक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कैस्पर भाई जो बोलता है हमेशा सही होता है। लेकिन फिर भी अगर अरुण सर बोले हैं लॉन्च हो गया इंडिया में Xiaomi 13 Ultra, तो अच्छी बात है ना यार, अच्छी बात है, आने वाले टाइम में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन इस बात को आप मान के रखो, 100% बोल रहा हूँ, नहीं लॉन्च होगा। Xiaomi 13 Pro का प्राइस इतना हाई फाई है, Xiaomi 13 Ultra का प्राइस कितना होगा अगर वो इंडिया में लॉन्च होगा, तो खुद अंदाजा लगा के देखो कि भाई कोई 1 लाख रुपए से ऊपर Xiaomi के फोन के ऊपर पैसा लगाएगा। Xiaomi 13 Pro के सेल्स इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो 13 Ultra के क्या होंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। लेकिन फिर भी यार, कुछ भी इंफॉर्मेशन आते हैं इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा टेक न्यूज में। और एक और बात, आज सुबह मैं Xiaomi 13 Ultra के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें दो चीज बताना मैं भूल गया। ये जो कैमरा किट है ना, इसके लिए आपको अलग से 10,000 रुपए देना होगा, और जो कैमरास है उनके साथ आपको TOF 3D सेंसर भी देखने को मिल जाता है, लाइडर सेंसर। अगर आप वीडियो मिस कर दिए थे, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। बवाल फोन नहीं है, नाटक है। जितना मेरे को Xiaomi 13 Ultra एक्साइटेड नहीं कर पाया, उतना ज्यादा मैं Xiaomi Pad 6 सीरीज की टैबलेट्स को देखकर खुश हो गया। बहुत ही बवाल टैबलेट्स है यार, क्या स्पेक्स दे रहे हैं, क्या लुक्स है, देख के दिल खुश हो जाता है। आई होप सो कि इनमें से कोई ना कोई टैबलेट इंडिया में आए। वैसे Xiaomi अपने पैड्स को तो लॉन्च करता है इंडिया में, लेकिन बहुत टाइम लगा देता है। एंड आई होप सो कि Xiaomi Pad 6 Pro इंडिया में लॉन्च हो जाए। दोनों में से कोई भी लॉन्च हो या फिर दोनों भी लॉन्च हो तो मजा ही आ जाएगा। और अगर बात करूं कि ये दोनों लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे, देखो यार, इन दोनों में से कोई ना कोई तो जरूर लॉन्च होगा, पिछली बार भी हुआ था ये। अब कौन सा होगा ये बताना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, फिर बताता हूँ, लेकिन लॉन्च जरूर होंगे। मैं सोचा था मोटोरोला के 2 फ्लिपेबल फोन इस साल लॉन्च होंगे, नहीं यार, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अब 3 फोन्स को मोटोरोला लॉन्च करेगा। एक मोटो रेजर अल्ट्रा हो गया, ये सबसे बड़ा वाला भाई होगा, और ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर चुका है, मैं आपको बताया भी था। उसके बाद मोटो रेजर 2023, आप उसको मोटो रेजर प्लस भी कह सकते हो। तीसरा है मोटो रेजर लाइट, मैं लाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, उसका प्राइस काफी अग्रेसिव होगा। एंड आई होप सो कि ये वाला फ्लिपेबल फोन भी इंडिया में लॉन्च हो। आप बताओ यार, मोटोरोला तो कमाल कर रहा है। मैं दोस्तों आपसे कहा था ना, मोटो H40 प्रो का तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि मोटोरोला कब तक उसको इंडिया में लॉन्च करेगा, लेकिन लॉन्च करेगा जरूर। लेकिन मोटो H40 जरूर लॉन्च हो जाएगा, मई के मंथ में लॉन्च होगा इंडिया में। तो देखो, आज इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को ये क्लियर कर चुका है। इसके रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको पिछले एक महीने से बताते हुए आ रहा हूं, मैं वापस से सारा हाईलाइट कर दे रहा हूं, देख लो। ये बवाल फोन होगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका प्राइस कितना होगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। Realme 11 सीरीज को लेकर काफी सारे अपडेट्स हैं। पहली बात, Realme 11 सीरीज के फोन्स मई के मंथ में लॉन्च हो जाएंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त तक हम लोगों को इंडिया में भी दिखाई दे सकते हैं। Realme 11 Pro Plus के कुछ स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। और कुछ कुछ बंदे मुझे बोले थे, सुफियान भाई, Realme 11 सीरीज के फोन्स में नए MediaTek Dimensity सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। यार, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं ही आपको एक महीने पहले दिया था, बस उस वक्त में मेरे को नाम नहीं पता था, बस यही बोला था कि भाई ये Dimensity के नए प्रोसेसर के साथ आएंगे, लेकिन अब नाम पता चल गया है। अच्छा, तो नाम ये है MediaTek Dimensity 7020 और MediaTek Dimensity 6080। हाँ, 70-20, 60-80, ये दो प्रोसेसर्स हैं, ये अगले महीने लॉन्च हो जाएंगे, और सबसे पहले Realme 11 सीरीज के साथ ही डेब्यू मारेंगे। तो इतने इन्फॉर्मेशन से मैं आपको बता दिया। आपको मैं परसों के टेक न्यूज़ में बताया था ना, ये जो IPL आप फ्री में देख रहे हो जियो सिनेमा में, अगले साल से जियो इसके लिए पैसे लेने लग जाएगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया मेरे दोस्त, जियो सिनेमा का नाम चेंज हो रहा है। बेसिकली ये वूट से मर्ज हो रहा है, वूट को तो जानते होगे, ये OTT प्लेटफॉर्म है। तो जियो सिनेमा और वूट मर्ज हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा जियो वूट, और 99 रुपए से सब्सक्रिप्शन प्लान चालू होगा। सब कुछ कंफर्म हो चुका है, देखते हैं ये कब तक होता है, कुछ पता चलेगा तो आपको बताऊंगा मैं। Iconeo 8 सीरीज को लेकर मैं आपको अपडेट्स दे ही रहा हूँ, पिछले 2 महीने से दे रहा हूँ, लेकिन आज Iconeo 8 Pro Antutu Benchmark पे पकड़ा गया है, और इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं। स्क्रीन पे सारे डिटेल्स है, कमेंट करके बताना कि स्पेक्स कैसे लग रहे हैं। और जो बंदे पूछेंगे कि सुफियान भाई, Iconeo 8 सीरीज के फोन कब तक इंडिया में लॉन्च होंगे, अगले साल, और ये जो फोन है ये चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। तो जब इंडिया में Iconeo 8 सीरीज के फोन आएंगे तो वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, याद रखना, ये वाले नहीं होंगे। सच्ची कह रहा हूँ यार, आप लोग ये कमेंट बार बार करते हो, सुफियान भाई Poco F5 कब लॉन्च हो रहा है, कब होगा Poco F5 लॉन्च इंडिया में। मैं हमेशा यही कहता हूँ,
इसी महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएगा, नहीं तो मई के पहले हफ्ते में। लेकिन फिर भी आपका भाई आज एक डेट खोज के लेके आया है, ऑफिशियल नहीं है बस मुझे पता चला तो बता रहा हूँ। यार वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ पसीने में बैठ के। 28 तारीख को लॉन्च हो सकता है पोको F5 इंडिया में, इसी महीने के 28 तारीख को। शाबाश, ये वाला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। Xiaomi कल Xiaomi 13 अल्ट्रा के लॉन्च इवेंट में अपने एक बहुत ही प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्ट टीवी को भी लॉन्च किया है, Xiaomi मास्टर 86 इंच मिनी LED डिस्प्ले वाला टीवी। इसका प्राइस कितना पता है आपको? गेस करो इसका प्राइस कितना हो सकता है आपके हिसाब से? 2 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए। आप वासिल बना दिए हो। ऐसी बात नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं किया है, Xiaomi बैंड 8 लॉन्च हुआ है, बहुत ही बवाल बैंड है यार, बहुत ही अच्छे अच्छे अपग्रेडमेंट्स के साथ है, देखने में और भी अच्छा लगता है, कॉम्पैक्ट भी है, और भाई ये इंडिया में भी आएगा, बहुत ही मस्त प्राइस पे लॉन्च होगा। मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर मस्त प्राइस पे लॉन्च हुआ ना तो जरूर मैं इसको खरीदूंगा। स्मार्ट वॉच से भी बेहतर वाला फीलिंग मिल रहा है मेरे को इसको देखते वक्त। सैमसंग गैलेक्सी A24 को सैमसंग चुपके वियतनाम में अनाउंस कर दिया, कह सकते हो कि लॉन्च कर दिया, लेकिन प्राइस नहीं बताया है। अब प्राइस मुझे जहां तक पता चला है 18,000 रुपए होगा इंडियन प्राइस। अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा तो 18,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा। सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, कमेंट करके बताओ कि आपको फोन देखने में कैसा लग रहा है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेसिफिकेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन ठीक ठाक से हैं। अगर प्राइस और अच्छा हो गया तो ये बवाल मचा देगा। देखो यार मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे देना चाहता हूँ, गूगल पिक्सल 7a, गूगल पिक्सल फोल्ड या फिर गूगल पिक्सल टैब, जो भी गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब मई के 10 तारीख को अनवील होंगे, अनाउंस होंगे। तो यार पिक्सल 7a को लेकर एक सैड अपडेट है, पिक्सल 7a जब इंडिया में लॉन्च होगा उसका प्राइस होगा 50,000 रुपए के आसपास। सही सुन रहे हो, 50,000 रुपए के आसपास। और अभी बात खत्म नहीं होता है, गूगल पिक्सल फोल्ड का मैं आपको प्राइस बताया था एक महीने पहले, बताया था 1,50,000 रुपए के आसपास होगा, तो उसके पूरे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, देख लो। ये मई के 10 तारीख को लॉन्च होगा और जो बंदे गूगल पिक्सल फोल्ड को खरीदेंगे तो गूगल उनको फ्री में गूगल पिक्सल वॉच देगा, हाँ फ्री में, मुफ्त में। देखो यार वन प्लस पैड बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, इसी महीने के एंड तक नहीं तो अगले महीने तक लॉन्च हो जाएगा। वन प्लस इंडिया टीज करना भी चालू कर दिया है, लेकिन वन प्लस पैड आज गलती से फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो गया था, दोनों रैम वेरिएंट्स के प्राइसेस बाहर आ चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ यार, अगर वन प्लस पैड ऐसे प्राइसेस पे लॉन्च होगा तो आप क्या खरीदोगे? Infinix X1 Plus Neo करके ऐसे करके कोई लैपटॉप है, Infinix लॉन्च कर दिया इंडिया में, 21,000 रुपए के आसपास से इसका प्राइस शुरू होता है। देखो यार स्पेक्स ठीक ठाक से हैं, लेकिन यार 21,000 रुपए में कोई लैपटॉप मत खरीदो यार, एटलीस्ट थोड़ा सा बजट बढ़ाओ, थोड़े से अच्छे लैपटॉप लेने की कोशिश करो जो वाकई में लॉन्ग टर्म में आपका साथ दे, आपका काम पूरा करें और आप अच्छे तरीके से उनमें अपना वक्त गुजार सको। 2021 में यार क्या ही करोगे उनमें, सोच कर देखो। WhatsApp को लेकर काफी अच्छा अपडेट है, WhatsApp बीटा टेस्टिंग में आपको ये सुविधा देगा, फीचर देगा कि आप एनिमेटेड इमोजी सेंड कर सकते हो, खुद के एनिमेटेड स्टिकर्स भी बना सकते हो। अभी टेस्टिंग फेज में, कुछ पता चलता है और तो बताता हूँ मैं। Apple की तरफ से काफी सैड अपडेट है, ध्यान से सुन के जाना, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। iPhone 15 सीरीज के iPhone जब सितंबर में लॉन्च होंगे तो बहुत सारे iPhones डिसकंटिन्यू भी होंगे, लिस्ट आ चुका है। iPhone 11 डिसकंटिन्यू हो जाएगा, iPhone 12 मिनी हो जाएगा, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, फिलहाल इतने iPhones कंफर्म्ड है कि डिसकंटिन्यू होंगे। और कुछ अगर पता चलता है तो आपको बताऊंगा मैं। वैसे मानो या ना मानो iPhone 11 अभी बहुत ही बेस्ट वैल्यू दे रहा है। कल परसों ही मेरा दोस्त रिफर्बिश खरीदा था iPhone 11, 20,000 रुपए का उसको मिला और उसकी जिंदगी अभी बढ़िया चल रही है, हर दिन फोटोस अपलोड करता रहता है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि रिफर्बिश्ड फोन जाके खरीदो, बस मैं देखा तो बताया, अब उस बंदे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होगा वो जाने, फिलहाल अभी एक ही हफ्ता हुआ है। वैसे यार एप्पल की तरफ से काफी कह सकते हो इनोवेटिव अपडेट है, iOS 17 जो आ रहा है ना वो आपको ये सुविधा देगा, ये छूट देगा कि आप बाहर से एप्पल के iPhones में ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ सही सुन रहे हो, और APK जैसे होता है ना एंड्रॉइड में, एंड्रॉइड फोन्स में APK होता है ना, वैसे IPK होगा। सारे डिटेल्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। बताओ इस चीज को करने में एप्पल को इतना टाइम लग गया। इंडियन स्मार्टफोन्स मार्केट शेयर का नया रिपोर्ट आ चुका है, Q1 2023 का रिपोर्ट है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का। देख लो यार Xiaomi का क्या हालत हो गया यार, इतना नीचे चला गया है। और मैं कहा ना दोस्तों, ओप्पो बहुत ही अच्छा भी काम कर रहा है, देख सकते हो कि कितने तेजी से वो ऊपर गया है। आप बताओ यार आपके क्या रिएक्शंस हैं और कौन से ब्रांड का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, आज बता ही दो। जब भी बोलता हूँ 2-3 लोग ही कहते हैं। नोकिया बाबू के ऊपर बहुत दिनों से बातचीत नहीं किए हैं, नोकिया C300 गीग बेंच में पकड़ा गया है, Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर के साथ। ये कोई नया प्रोसेसर है क्या? अभी तक मुझे पता नहीं चला। 4GB रैम है और Android 13 है। चलो यारो आज का मेरा हो गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और मुझसे अगर आप बात करना चाहते हो मैं आपको Instagram Twitter पे मिल जाऊंगा @realsufyanxan। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With the girls.
Yeah.